प्रायोजक MCX रेडवे ट्रस्ट। लाइफ के प्रायोजक बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। अब बहुत हो गया, बिजली के लिए तरसाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। बेस्ट बिल्डर ऑफ द ईयर अवार्ड के यूं तो थे कई दावेदार, पर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रीमिया ग्रुप को पाया सच्चा हकदार। प्रीमिया ग्रुप, द रियल एस्टेट गुरु वेंचर। मेरा वोल्टास ऑल वेदर एसी, ड्राई हीट हो या स्टिकी हीट, इट कीप्स यू कंफर्टेबल इन एनी वेदर। मूर्ति ब्रिलियंट एसी। जब सरोकार से दूर हो सरकार, जब हाशिए पर हो आम आदमी के अधिकार, जब जरूरतों पर हावी हो जाए बाजार, जब देश के सामने खड़े हों कई अहम सवाल, तो जरूरी है बड़ी बहस। बिग स्टोरी बिग डिबेट विद अमीश देवगन एट 8 PM। जी न्यूज लाया है अब मेरी बारी पोल, दीजिए अपनी राय और हर रोज जीतिए हजारों के इनाम। आज का सवाल है, ZN स्पेस अपना ऑप्शन लिखकर 57575 पर SMS करें। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें znews.com। विजेता का नाम जानने के लिए देखिए DNA रोज रात 9 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। सीक्रेट टू डिलिशियस फूड, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स, वाइल्ड इमेजिनेशन, इम्पेकेबल टेस्ट एंड अ ग्रेट शेफ। Their best dishes, their methods, their secrets. तो देखना ना भूलें The Great Chefs of India रविवार शाम 4:30 PM और शनिवार दोपहर 1:30 PM। सोनिया और मोदी में वार पलटवार, मोदी ने कहा सातवें आसमान पर कांग्रेस का अहंकार। सोनिया गांधी का जवाब, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है मोदी की नजर। मोदी को चिदंबरम की चुनौती, शिवगंगा से नहीं लड़ सकते मोदी, बोले चिदंबरम। कुछ कॉर्पोरेट्स में है मोदी के खास, गुजरात दंगों के बहाने हमला, फाइनल क्लीन चिट नहीं है SIT की रिपोर्ट। राहुल के खिलाफ लड़ सकती है स्मृति ईरानी, सूत्रों के हवाले से खबर। अमेठी से उम्मीदवारी का आज हो सकता है ऐलान। डेप्यूटी पीएम पर बोले अरुण जेटली, किसी पद का नहीं है लालच। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले जेटली, कुछ अच्छे लोग होते हैं जो बढ़ाते हैं हौसला, थपथपाते हैं पीठ। किसके दम पर गुलजार हुआ बाजार, बीजेपी ने मोदी फैक्टर का किया दावा, तो चिदंबरम ने यूपीए सरकार की नीतियों का दिया हवाला। बाजार का बाजीगर कौन, रेस 2014 में, थोड़ी ही देर में। बाय देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स, प्रायोजक फॉर्च्यून इंडियाज नंबर 1 कुकिंग ऑयल और वी गार्ड स्टेबलाइजर्स, इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर। बाजार का बाजीगर कौन, किसके दम पर दलाल स्ट्रीट हुआ है गुलजार, और आखिर क्यों है सेंसेक्स और निफ्टी पर लगातार नई ऊंचाइयों की बौछार। जी हां, हमारी खास पेशकश बाजार का बाजीगर कौन, मुंबई स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट, और अगले आधे घंटे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बाजार में लगातार नया हाई क्यों बन रहा है। जैसी तेजी वैसे ही दावे हैं, बीजेपी का कहना है कि बाजार में तेजी के पीछे मोदी फैक्टर जिम्मेदार है, तो वहीं
वित्त मंत्री पी चिदंबरम का दावा है कि ये बात गलत है। उनका कहना है कि यूपीए 2 सरकार के अच्छे फैसलों का नतीजा इस समय शेयर बाजार में दिख रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बाजार सरकार के अच्छे कामों को अब समझ पाया है या फिर मोदी के मंत्र को बाजार सत्ता में आने से पहले ही समझ चुका है। हमारी खास पेशकश बाजार का बाजीगर कौन। बाजार झूम रहा है, सेंसेक्स निफ्टी हर दिन नया हाई बना रहा है, FIIs भी भारतीय बाजार पर मेहरबान है। बाजार में ये तेजी तब है जब इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, ग्रोथ रेट 10 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है, महंगाई अभी भी बेकाबू है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बाजार में ये बहार क्यों है। बीजेपी की माने तो ये सब मोदी की माया है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, पार्टी तो यही कह रही है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद पर बाजार गुलजार है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, मूडीज, गोल्डमैन सैक्स, CLSA और नोमूरा जैसी एजेंसियां भी इससे मिलती जुलती राय दे रही हैं। लेकिन देश के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम इन बातों को खारिज कर रहे हैं। चिदम्बरम साहब की माने तो ये सब यूपीए 2 सरकार के अच्छे फैसलों का नतीजा है जो अब बाजार में तेजी के तौर पर दिखाई दे रहा है। चिदम्बरम का कहना है, बाजार में तेजी किसी उम्मीद पर नहीं, ये सब एक स्थिर सरकार के फैसलों का नतीजा है। पिछले 18 महीनों में हमने कई अहम फैसले लिए जिसकी बदौलत देश की इकोनॉमी मजबूत हुई है। लेकिन बीजेपी की माने तो वित्तीय मंत्री पी चिदम्बरम ने देश की इकोनॉमी का बंटाधार कर दिया है। देखें पार्टी के वरिष्ठ नेता किस तरह चिदम्बरम को कोसने में लगे हैं। चिदम्बरम साहब ने अर्थव्यवस्था को ठिकाने लगाने का काम किया है और वहीं लाकर खड़ा किया है जहां पर कि 1997-98 में 97-98 में वो छोड़कर गए थे। अगर आप चिदंबरम जी का व्यक्तिगत फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्टिंट देखें तो जब वो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे तब रुपया करीबन 13-14% डेप्रिसिएट हुआ था, लेकिन कांग्रेस नीत यूपीए के इस 10 साल के सफर में रुपया 38% डेप्रिशिएट हुआ है। साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच बाजार में बहार का श्रेय लेने की होड़ मची है और दोनों पार्टियां खुद को बाजार का असली बाजीगर साबित करने में जुटी हैं। दरअसल दोनों पार्टियां ये अच्छी तरह जानती हैं कि चुनाव में इकोनॉमी से जुड़े मुद्दे की अनदेखी नहीं की जा सकती है। यही वजह है कि आर्थिक मोर्चे पर खुद को बेहतर बताने की जंग जारी है। साक्षी प्राशर के साथ अवनीश ओझा, जी मीडिया। जी हाँ, और बाजार भले ही गुलजार हो लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच इसे लेकर वार और पलटवार जारी है। यशवंत सिन्हा ने 18 सवाल उठाए वित्त मंत्री पी चिदंबरम के कार्यकाल पर, लेकिन अब ये सवाल की गूंज थमी ही नहीं थी कि वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इसका जवाब भी दे डाला। चलिए सुनते हैं क्या कहा भूतपूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने और क्या जवाब दिया मौजूदा वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने। चिदंबरम साहब 3 बार देश के वित्त मंत्री बने हैं, हर बार वो खुशकिस्मत रहे हैं कि उनको जो ये अर्थव्यवस्था विरासत में मिली वो बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था मिली। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी आदत हो गई है कि मजबूत अर्थव्यवस्था उनको मिलेगी और वो उसको बर्बाद करके। आई थिंक द सेलिब्रेशन बिगैन व्हेन मिस्टर यशवंत सिन्हा डिक्लाइन टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड द सेलिब्रेशंस आर कंटिन्यूइंग नाउ दैट द बीजेपी is doing a number of things like expelling Jaswant Singh. The celebrations are continuing now. Even today, the market celebrated. और चलिए आज यही हमारी खास पेशकश और इसका खास मुद्दा है कि बाजार का बाजीगर कौन है। क्या जाती हुई यूपीए सरकार की नीतियों पर बाजार इस समय आफरीन है या फिर आने वाली सरकार और मोदी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर बाजार में तेजी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सलमान सोज हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जय नारायण व्यास हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही बाजार के जानकार जो कि राजनीति को भी काफी बारीकी से देखते हैं अरुण केजरीवाल, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और जाने माने पत्रकार एम के वेणु कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले, इनफैक्ट हमारे साथ इस समय मौजूद है नोएडा स्टूडियो से। लेकिन सलमान साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, आप
अंतर्राष्ट्रीय जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बयान देखिए, आप बाजार के जानकार हैं उनका बयान देखिए, जो बाजार के निवेशक हैं उनका बयान देखिए, अक्रॉस द बोर्ड एक सेंटिमेंट ये बना हुआ है कि आने वाली सरकार हो सकता है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आए, देश को एक नई दिशा मिलेगी, एक सॉलिड और मजबूत इकोनॉमिक पॉलिसी मिलेगी और उसके चलते बाजार चल रहा है। लेकिन चिदंबरम साहब का यह दावा है कि सरकार यूपीए 2 लगातार जो काम कर रही थी वो बाजार को अब समझ में आ रहा है जब सरकार के जाने की घड़ी आ चुकी है। देखिए, आप पब्लिक रिलेशंस कैंपेन से हवाई वो सेंटिमेंट बना सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल रियलिटी है, सच्चाई है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। यशवंत सिन्हा साहब ने जो कहा, 18 सवाल उठाए, चिदंबरम साहब पे भी हमला किया, उनको ये याद होना चाहिए था, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे और इंडिया शाइनिंग का बुरा हाल कर दिया हिंदुस्तान के लोगों ने। उन्होंने अभी तक मेरे ख्याल में बीजेपी के लोगों ने ये सीखा नहीं कि वो हारे क्यों। तो उसका जवाब उस वक्त मिल गया यशवंत सिन्हा जी को और अब उनको फिर से आज चिदंबरम साहब ने जवाब दिया। ये तो ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि इन्होंने आज ये भी कहा था कि भाई इनका डेट देखिए, एक्सटर्नल डेट जो है 170 बिलियन जिससे 400 बिलियन डॉलर तक के करीब पहुंच गया है। उन्होंने ये नहीं लोगों को बताया कि असली जो कंपैरिजन होता है वो एज ए रेशियो ऑफ जीडीपी होता है और कोई वैसी वो उतना कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। फंडामेंटली इस वक्त क्या हो रहा है, फंडामेंटली ये हो रहा है, आपकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम है, वो 2.5% के करीब है। आपकी इन्फ्लेशन रेट जो है, रिटेल इन्फ्लेशन रेट 2-year low, यानी कि 2 साल में इतनी कम महंगाई नहीं हुई है, ठीक है, दो चीजें। तीसरा, रुपया स्टेबिलिटी, सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इमर्जिंग मार्केट्स में इस वक्त इंडियन रुपी है। ये सारी चीजें जो एनालिस्ट हैं, जो सीरियस एनालिस्ट हैं, वो सब चीजें देते हैं। ये देखिए, ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए कि जो मोदी साहब अपनी पार्टी में कंसेंसस नहीं कर पा रहे हैं, वो कैसे आगे को कंसेंसस करेंगे जीएसटी के लिए। ये वही मोदी साहब है जिन्होंने जीएसटी को आगे नहीं बढ़ने दिया, वो अब किस मुंह से आगे वो कांग्रेस के किसी चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे अगर वो खुदा ना खास्ता बन भी जाए। लेकिन सलमान साहब, अगर आप बाजार के जानकारों से बात करो, इनके मेनू साहब हमारे साथ हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, उनकी तो राय ये है, उनका कहना ये है कि जो कुछ स्थिति सुधरी है बाजार में या फिर अर्थव्यवस्था में, जो भी स्थिति सुधरी है उसमें से कई चीजें ऐसी हैं जो अपने आप हुई है और कई चीजें ऐसी हैं जो बाजार के चलने की वजह से सुधरी है, जिससे चलते डॉलर इनफ्लो आया है और बाजार सुधरने की खास वजह यह है। आप चुनाव की घोषणा हुई तब से लेकर अब तक का मार्केट का परफॉर्मेंस देखिए, अक्रॉस द बोर्ड यही मानना है कि बाजार सुधरा इसी वजह से है कि यह सरकार जारी है। मिस्टर वेणु, मैं आपसे राय चाहूंगा इस पर। देखिए, अगर आप पिछले 3-4 महीने में कई जो जाने माने जो मार्केट के एनालिस्ट हैं उनको आप सुने और उनकी रिसर्च रिपोर्ट भी पढ़े, तो बाजार का सुधरने का और सेंटिमेंट इम्प्रूव होने के दो तीन कारण हैं। उसमें एक कारण यह भी है कि एक बड़ा इलेक्शन आने वाला और चेंज आएगा, अगर उसके अलावा दो बड़े और कारण हैं, वो ये है कि जो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो जीडीपी का 4% हुआ करता था 6-7 महीने पहले तक, वो अब पूरा गिर के अभी बिल्कुल 0.5% जो पिछले जो क्वार्टर में बहुत ही कम हो गया, और अभी वो पूरे साल का आप देखेंगे 2013-14 का तो 2% के और 2 या 2.5% के आसपास वो होगा, और इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर सेंटिमेंट बड़ा इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट जो आपके जो आयात और निर्यात के बीच में जो गैप होता है जिसको फंड करना पड़ता है, उसका कम होना एक अच्छा साइन है। और दूसरा, इन्फ्लेशन रेट जो कि पिछले 2 साल से लगातार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 10% से ऊपर। वेणु साहब, मेरा सवाल ये था कि ये क्या यूपीए सरकार ने कम किया है, क्या ये वित्त मंत्री पी चिदंबरम की नीतियों से कम हुआ है? या दोनों का गिरना, इसका इम्पैक्ट रुपए पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। हाँ, ये भी बात है कि जो पोलिटिकल चेंज जो इलेक्शन के बाद आने वाला है उसको लेके भी बाजार में अपेक्षा है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉलिसी डिसीजन मेकिंग नए सिरे से इम्प्रूव होगी, और हमेशा एक नई सरकार आती तो एक पहले 6 महीने में हमेशा एक तेजी देखी जाती है, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रही है बाजार। जी,
चलिए हमारे साथ जय नारायण व्यास भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, हम उनके पास चलते हैं। मिस्टर व्यास, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सलमान साहब को आपने अभी अभी सुना, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के जो दावे हैं वो खोखले हैं, कुछ हद तक हवाई दावे हैं, और इससे आप जनता को या फिर जो बाहर के निवेशक हैं उनको ज्यादा समय तक गुमराह नहीं कर सकते। आपका जवाब क्या है? देखिए, मैं सलमान साहब की मजबूरी समझता हूं, और ये उन्होंने बिल्कुल जानबूझकर अगर नहीं कहा तो मैं उनको दाद देना चाहूंगा कि काफी अच्छी तरह उन्होंने अपनी कांग्रेस की डिफेंड की है। उन्होंने इंडिया शाइनिंग कैंपेन की बात की, मगर ये नहीं कहा कि जब यूपीए का शासन आया तब 8% ग्रोथ उनको मिला था वारिसी में, महंगाई नहीं बढ़ रही थी, आम आदमी के लिए खाने की थाली महंगी नहीं हुई थी, अर्थव्यवस्था का जहां तक सवाल है फिस्कल डेफिसिट 3% और करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल कंट्रोल में थी। इस तरह के फंडामेंटल्स के साथ इंडिया शाइनिंग के कैंपेन की आप जो भी आप उसको जश दे न यश दे न दे, मगर जहां तक एनडीए सरकार का सवाल है, जो अर्थव्यवस्था आपको मिली थी वो अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था आप आने वाली सरकार के लिए छोड़ने वाले हैं, उस अर्थव्यवस्था से काफी संगीन थी। तो ये आप मत कहिए कि एनडीए ने आप अर्थव्यवस्था जो आपको दी थी और जिसका फायदा भरसक आपने उठाया यूपीए 1 के शासन के दरमियान, वो आपको नहीं मिली थी। यूपीए 2 का जो शासन आया आपका, अर्थव्यवस्था की बर्बादी का वो शासन था। आज तक अगर आपके पास ये तजुर्बा था कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट काबू में रख सकते थे, आप महंगाई काबू में रख सकते थे जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, तो मैं साहब आपको पूछता हूं कि इस देश के नागरिक को 4 साल 10 महीने तक आपने क्यों परेशान किया? क्यों आम आदमी को आपने महंगाई के चक्कर में डाल के पीस पीस कर उसका तेल निकाला, उसका खून पी लिया आपने? आपने अपनी अर्थव्यवस्था पे अगर आप काबू करते, मैं तो ये सोच रहा था। सलमान साहब से इसका जवाब लेते हैं। जिनकी वजह से सलमान, आपने खुद सुना जय नारायण व्यास जी ने जो सवाल उठाया है कि एक आम आदमी जो है वो इस समय महंगाई के चलते खून के आंसू रो रहा है। दूसरा, अगर आप आर्थिक विशेषज्ञों से बात करें सलमान, तो उनका भी ये दावा है कि जो आने वाली सरकार है उसके लिए आप एक बड़ी चुनौती छोड़ के जा रहे हैं, जो की है सब्सिडी। 40,000 करोड़ से ज्यादा का सब्सिडी का जो बर्डन है वो दरअसल आने वाले सरकार को प्रोवाइड करना है। आप क्या कहेंगे इस पर? आप क्या विरासत में देने वाले हैं? ये आपकी देन है और बाजार समझता है। ये जय नारायण जी शायद बोलते जा रहे हैं, जाने वाली है। अब ये यूपीए, अगर ये थोड़ा चुप हो जाए तो मैं कुछ बोलूं। तो एक तरह से शेयर मार्केट का एक फंडामेंटल सिद्धांत है। आप बोलिए। ये तो चुप हो ही नहीं रहे। आप बोलिए सलमान, बोलिए आप। अच्छा देखिए, पहली बात, जय नारायण जी को ये ख्याल रखना चाहिए कि आप एनडीए और यूपीए के खास कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई कंपैरिजन की बात नहीं, वो तो छोटी सी इकोनॉमी थी, आजकल की इकोनॉमी 4 गुना बड़ी है। ये कहते हैं ना कि आपने क्या किया 10 सालों में, हमने 10 सालों में 25 करोड़ का यहाँ पर एक मिडिल क्लास बनाया है। हमने यहाँ पर 14 करोड़